स्टार्ट करते हैं फेज सिस्टम। तो फेज सिस्टम क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस की थ्री फेजेस होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो फेज सिस्टम में मतलब ये हो गया कि यदि वो तीनों फेज एक दूसरे में कन्वर्टेबल हो तो उसी सिस्टम को अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें पहला सिस्टम अपन बात करते हैं वाटर सिस्टम। हम सबको पता है कि वाटर की तीन फेज होती है, मीन्स सॉलिड फेज में वो आइस की फॉर्म में रहता है, लिक्विड फेज में वो वाटर की फॉर्म में रहता है और गैसेस फेज में वो स्टीम की फॉर्म में रहता है। तो ये तीनों आपस में कैसे चेंज हो जाती है वो मैं स्टडी आपको इस ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम एक प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ में मैंने तीन पॉइंट लिए हैं, एक लाइन को देखो ये जा रही है और एक लाइन ऊपर से भी आ रही है। तो यहां पर हमें तीन पॉइंट की स्टडी करनी होती है, एक तो होता है एरिया, एक होता है कर्व और तीसरा होता है ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु जिसको अपन बोलते हैं। तो देखो यहां पर कौन कौन से एरिया है, एक तो है ए ओ बी, दूसरा एरिया बी ओ सी और तीसरा एरिया ए ओ सी। तीन एरिया हमारे पास में है। ए ओ बी में हमारे पास में कौन सी फेज है, वाटर की सॉलिड फेज। बी ओ सी में कौन सी फेज है, लिक्विड फेज। और ए ओ सी में कौन सी फेज है, वेपर फेज। यानी तीनों ही पॉइंट्स पर, तीनों ही एरिया में हमारे पास में एक एक फेज अवेलेबल है। फर्स्ट फेज सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैसेस। तो अगर अपन इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में पहला पॉइंट आता है एरिया। एरिया कौन कौन सा है, एओबी, यहां पर एक ही अवस्था है सॉलिड अवस्था, तो फेज क्या है, वन ही है। बीओसी के लिए भी एक ही फेज है, ई बराबर वन, और एओसी के लिए भी एक ही फेज है तो पी बराबर वन। तो अगर अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें, यानी स्वतंत्रता की कोटि यदि अपन इनमें देखें, तो स्वतंत्रता की कोटि f निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, f इक्वल्स टू c माइनस p प्लस 2। c यहां पर घटक होता है, कंपोनेंट, p यहां पर फेज है और 2। तो कंपोनेंट वाटर है 1, माइनस फेज कितनी है, AOB में एक ही फेज है 1 प्लस 2, तो f इक्वल्स टू कितना आ गया 2। यहां पर बी ओ सी के लिए देखो कंपोनेंट एक ही है वाटर, फेज भी एक ही है 1 और उसके बाद में 2 है ही, एफ बराबर 2। और तीसरे के लिए भी यही होगा, ए ओ सी के लिए भी होगा, क्योंकि यहां पर एक ही कंपोनेंट है और एक ही फेज है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 एफ इक्वल्स टू। ये तो हो गया एरिया। दूसरा हम बात करें कर्व, इसमें कौन कौन से कर्व लगते हैं। पहला कर्व है कर्व ओ ए, यहां पर दो फेज हमारे पास में आती है, कौन कौन सी, ओ ए में एक तो ए भी आ रही है और एक ओ ए में हमारे पास में ये वाली पार्ट भी आ रही है। दूसरा हम देखते हैं कर्व ओ बी, ओ और बी, यहां पे एक तो आ रही है ये वाली फेज, एक आ रही है ये वाली फेज। तीसरा हम कर्व देखते हैं ओ सी, इसमें एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, लिक्विड वाटर और वाटर गैस। तो इसके लिए भी स्वतंत्रता की कोटि कैसे निकालोगे, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2, कंपोनेंट तो वन ही है लेकिन फेज दो है प्लस 2, एफ की वैल्यू क्या होगी एक। कर्व ओबी के लिए भी सेम रहेगा, ओसी के लिए भी सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि जहां पर किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आकर मिल जाती हैं, जैसे ए जो कि सॉलिड है, बी जो कि लिक्विड है और सी जो कि वेपर है, तीनों ही कर्व एक ओ पॉइंट पे आते मिल रहे हैं, इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ट्रिप बिंदु, जहां पर तीनों ही अवस्थाएं आकर के मिल जाती है, ये कहलाता है वाटर सिस्टम। जहां पर वाटर फेज की बात करें तो अलग अलग एरिया में अलग अलग फ्रीडम, अलग अलग कर्व में भी अलग अलग फ्रीडम, लेकिन ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर तीनों ही अवस्थाएं आकर के मिल जाती है। ये इस पूरे ग्राफ का एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू।